प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ा चल रहा है नुस्ता कौन है? अरे पानी की प्रॉब्लम हो गई है, पूरी टंकी खाली हो गई है। तू सो जा वापस, उठ के वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, जा। सोसाइटी में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ना तो जिठल की वजह से होता है। अब वो सब छोड़िए ना, अब टैंकर वाले को फोन कीजिए ना जल्दी से। मैं क्या कर रहा हूँ माधवी, वही तो कर रहा हूँ ना। हाँ लिखा था, याद नहीं यार। हाँ, W वाटर सप्लायर्स। हाँ मिल गया, ओशो वाटर सप्लायर्स। 9 8 3 3 2 2 1 3 2। हेलो, ओशो वाटर सप्लायर्स। हाँ जी। हाँ मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। वो जरा पानी का टैंकर चाहिए था। नहाने का पानी का टैंकर का है 2000 रुपया, और पीने का पानी का टैंकर का है 4000 रुपया। नहीं नहीं, नहाने का पानी का ही चाहिए, लेकिन 2000 आप ज्यादा बोल रहे हैं। अरे दूसरे टैंकर वाले तो कम में दे रहे भाई। हाँ तो उससे ही ले लो। हेलो हेलो, काय चले? फोन रख दिया, मंगा लेना था ना। आदि अपने पास दूसरा नंबर है ना, कम में मिल जाएगा टैंकर। ये क्या है ना, रमेश वाटर सप्लायर। 9 8 6 2 मिल जाएगा। हाँ हेलो, रमेश वाटर सप्लायर। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। वो नहाने के पानी का टैंकर चाहिए था, क्या रेट है? 2000 रुपया। बगित लो। हाँ मैं बोलता हूँ आपको फोन करके वापस। हाँ थैंक यू, ये तो बहुत ज्यादा है। तो पहले वाले को ही बुला लीजिए ना। है माधवी, अपने पास और एक नंबर है, ट्राई करता हूँ मैं। रुको रुको, कठिन है। शांति। 2 3 6 8 2 1। हाँ शांति वाटर सप्लाई, मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। नहाने के पानी का टैंकर चाहिए, क्या रेट है आपके पास? 1800 रुपया। हाँ तो भेज दीजिए। कौन सी तारीख, मतलब आज चाहिए भाई? 4 दिन बाद मिलेगा? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ओके। बोला था ना, वो पहले वाले को ही फोन कीजिए ना आप। हाँ अभी उसी को करना पड़ेगा। मक्का है। हाँ हाँ कल शाम तक टैंकर आ जाएगा। हेलो। हाँ मैं अभी वो फोन किया था ना, गोकुलधाम सोसाइटी से, आत्माराम। हाँ 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 याद है याद है। क्यों, हर जगह से भाव का पता कर लिया ना? बोलो टैंकर भेज दो। हाँ भेज दो भाई। हाँ बोलो एड्रेस बोलो। गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी रोड, गोरेगांव ईस्ट। टैंकर आज शाम को 4 बजे तक आ जाएगा। 4 बजे तक? अरे लेकिन अभी चाहिए हमको। बहुत लंबी बुकिंग है, इतने जल्दी नहीं आ सकता टैंकर। अरे लेकिन एक मिनट, माधवी बोल रहा है कि शाम को 4 बजे आएगा टैंकर। साले साले हो बड़ा। हाँ ठीक है भाई भेज दो, लेकिन 4 बजे भेज देना, लेट मत करना उससे। ओके ओके। मैं पूरा कागज बचाने के लिए छोटी छोटी चिट्ठी पे नंबर लिखता हूँ, और कभी कभी तो छोटी छोटी चिट्ठी बचाने के लिए नंबर याद रख लेता हूँ। और इधर सुंदर के दोस्त ने तो डायरेक्ट 70 रुपये नंबर लिख दिया, अभी बॉल पेन से। गुटके का पैकेट पलंग पे, बोलो। माता जी,
टप्पू के पापा ये क्या अब गुटखा खा रहे हैं? अरे गुटखा नहीं, एक दिन जहर खाने की नौबत आ जाएगी। ये मेरा नहीं है, तेरे वीरा सुंदर का दोस्त का है। इधर पलक। ओहो एक नहीं, ये देख दो, तीन चार, ये देख तीन तीन चार चार गुटखा का पैकेट पलंग पे से मिले। किसके पता है? तुम्हारे वीरा सुंदर के दोस्तों का है। ये हमारा पलंग वो लोगों ने कचरा की पेटी बना के रखा है। अरे मेरी माँ कहती है कि नसीब वाले होते हैं ना, उनके घर पर ही मेहमान आते हैं। और बाबू मुसाए बड़े बड़े घरों में मेहमानों की वजह से छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं रे। या बाबू मौसी सीधी खड़े रहे। ये तो अच्छा हुआ पोपटलाल ने पुलिस केस नहीं किया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता, समझे? जेठिया। हाँ बापूजी। पकड़े पकड़। नहीं जेठिया। हाँ आया आया बापूजी। हाँ बोलिए। अरे भाई जरा देख ये पानी का टैंकर आया कि नहीं है। अरे जेठालाल मेहता साहब मिले। ओ सॉरी हाथी भाई, क्या हुआ भिड़े? अरे यार पोपटलाल क्या हुआ भाई? अरे आत्माराम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हाँ भिड़े क्या हुआ भाई, क्यों बोला? अरे बताने वाली बात ये है कि जो टैंकर आने वाला है वो 4 बजे आने वाला है। क्या 4 बजे? अरे भाई 4 बजे तक होल्ड करना बहुत मुश्किल है। अरे आत्माराम जब हमको 4 बजे आएगा तब तक कैसे चलेगा? अरे भाई 4 बजे तक अभी करे क्या, टैंकर का इंतजार करेंगे और क्या कर सकते भाई? क्या इंतजार करेगा, बिना पानी कैसे चलेगा भिड़े? मैंने 3-4 जगह फोन लगाया था लेकिन अभी फुल सीजन चालू है, पानी की कटौती चालू है, इसलिए सारे टैंकर बिजी है। मुश्किल से ये एक टैंकर मिला है जो 4 बजे आने वाला है, अभी इसको बुलाऊं के कैंसिल कर दूं? नहीं कैंसिल क्या कैंसिल भाई, कैंसिल नहीं करना है भाई, पानी तो चाहिए ना भाई, 4 बजे आए तो 4 बजे बुला उसको। अभी म्युनिसिपैलिटी का पानी तो कल सुबह आएगा ना, तब तक क्या करेंगे हम लोग? बुला बुला भाई कैंसिल क्या करना है, बुला उसको। अरे भाई बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। फिर क्या छोटी, तूने एक नल खुला छोड़ दिया उसमें सबको परेशानी हो गई। देख ओ जेठा ब्रा, मेरी वजह से तो कल रात को पानी की टंकी खाली हुई थी, आपके आज मेहमान आए उनकी वजह से आज पानी की टंकी खाली हुई है यार। वाह वाह वाह, उल्टा जेठा सीधे सोडी को डांटे। अच्छा 4 बजे आएगा ना टैंकर? ठीक है टैंकर, चलो भाई चलो चलो आता, चलो चलो 4 बजे तक और कोई चारा भी नहीं है। हाँ भाई हाँ चलो चलो ओके ओके जी ओके। 4 बजे टैंकर आएगा तो कभी नहाऊंगा, कभी तैयार होऊंगा, कभी दुकान जाऊंगा। एक काम करता हूँ, नटू काका को बोल देता हूँ भाई, आज दुकान आना मुश्किल लग रहा है। हेलो नटू काका। सेठ जी अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं आप ही को फोन करने वाला था। क्यों? ये बताने के लिए कि आज मैं दुकान नहीं आ सकता। अरे क्यों? हमारे पूरे भादर नगर में आज पानी नहीं आया। क्या आपके उधर भी पानी नहीं आया? नहीं एक मिनट सेठ जी, क्या आपके उधर भी पानी नहीं आया? नहीं। तो आप एक काम कीजिए हमारे साथ चलिए सेठ जी। किधर? आज मैंने और मेरे अड़ोस पड़ोस के दोस्तों ने जुहू बीच जाके नहाने का प्रोग्राम बनाया है, तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। भाई क्या ज्वाइन बॉइन छोड़िए, आप जल्दी दुकान पहुँचे, ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। नहीं सेठ जी, दुकान मेरे लिए मंदिर है और मंदिर में नहाए बिना नहीं जाते, तो आज मैं नहाए बिना दुकान कैसे जा सकता हूँ? और दूसरी बात, ये नटवरलाल प्रभा शंकर उड़ाई वाला जबान का पक्का आदमी है, मैंने अपने सारे दोस्तों से वादा किया है कि आज हम जुहू बीच पर नहाने जाएंगे, मतलब जाएंगे। ये नटू काका एक दिन की पगार छोड़ सकता है मगर कभी अपना वादा नहीं तोड़ सकता। नटू काका अगर आपको छुट्टी चाहिए थी तो पहले मुझे बताना चाहिए था। सेठ जी सवेरे 7 बजे मैंने आपको SMS किया था। है? आपको SMS करना आता? ऑफ कोर्स, आपको नहीं आता? नटो काका ना मैं किसी को SMS करता हूँ ना मैं किसी का SMS पढ़ता हूँ। मतलब आपको SMS करना नहीं आता? अरे सेठ जी SMS करना बहुत आसान है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बस बस भाई बस समझ गया, आपकी आज की छुट्टी मंजूर है, बस। थैंक यू। हो
રડાય રોશન આય શું કરે છે સાના મારે આટલો પાણી વેસ્ટ કરે છે અરે રોશન વો ગોગી પુતે બાથરૂમ મેં આના તો મેને સોચા તબ તક મેં ગાર્ગલ કરકે અપના મુંહ ફ્રેશ કર લેતા હું પણ રોશન પીને કા પાણી હે ઇસકો થોડા બચા કે રખના હે ના બાબા અરે લેકિન અભી વો આ જગા ના 4 બજે અપના ટેન્કર પે ચિંતા કી બાત કી હે અરે પણ જબ તક ટેન્કર નહીં આયેગા તબ તક તો હમકો પાણી બચાના હે કે નહીં ઓય યે બાત ભી સચ હે યાર પાણી તો બચા કે રખના ચાહીએ અરે દયા જલ્દી ખાના લા हाँ हाँ ये क्या आज ये खाने का नहीं नहीं इसमें खाने का है ये पतराड़ा में हाँ पानी नहीं आ रहा है तो बर्तन कैसे धोएंगे अरे भाई तो मार्केट में वो पेपर डिश मिलती है वो मंगानी चाहिए थी ना हाँ हाँ मैं वही लेने जा रही थी फिर मुझे याद आया कि हमारे शादी के वक्त के जो पतराड़े हैं वो काम आ सकते हैं तो देखिए काम आ गए ना लेकिन इसमें कैसे खा सकते हैं दया ए भाई बचपन में तू इसी में खाता था भूल गया दादाजी मुझे इसमें खाने का बहुत मजा आएगा ले सुन सीख कुछ सीख दया हा? कल से इसको इसी में खाना देना तेरा बहुत पानी बचेगा लीजिए ये क्या ये चिवड़ा पूरी और गाठिया वो मुझे भी दिख रहा है दया लेकिन अभी खाने का टाइम है नाश्ते का टाइम नहीं है ये सब क्यों लेकर आए तू यहाँ पानी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा अरे तब मार्केट में मिनरल वाटर मिलता है वो मंगाना चाहिए था उसमें बनाना चाहिए था खाना हाँ लेकिन वो टैंकर आने वाला था ना तो मैंने पानी नहीं मंगवाया एक ग्लास पानी तो लेकर आ पीने का हाँ पी लाई ले जा बापू बाय पापा मुझे भी हाँ लीजिए हाँ ला मम्मी मुझे भी एक ग्लास देना ले ले तू पी ले मेरा लिए एक और ग्लास ले आना एक ही ग्लास पानी था पापा आप लीजिए क्या तो पी ले मैं बाद में पी लूंगा बेटा तू पी ले कोई बात नहीं मैं बाद में पी लूंगा बोलो ना कुरियर बहन जी एक ग्लास पानी मिल सकता है वो बात यह है कि ये लीजिए अंकल बेटा तूने अपना पानी का ग्लास अंकल को दे दिया हाँ पापा मैं तो पूरा दिन घर पे ही हूँ वो अंकल को तो कड़ी धूप में घूमना पड़ता है तो मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत उनको है इसलिए मैंने पानी उनको दे दिया वाह चपूड़ा वाह वाह मेरा बेटा शाबाश हे भगवान आज सुबह से सारे नित्यक्रम बाकी रह गए हैं टैंकर अभी तक क्यों नहीं आया भिड़े को फोन करता हूँ हेलो भिड़े मास्टर कौन बोल रहा है भाई 4 बज गए हैं टैंकर क्यों नहीं आया हाँ आदि भाई नहीं नहीं टैंकर आता ही होगा आ जाएगा हाँ टेंशन मत लो आप ओके कब आएगा टैंकर वाला आया क्यों नहीं अभी तक हेलो पोपटलाल एक मिनट मेरी बात सुनो टैंकर अभी 4 बजे आने वाला है वो आता ही होगा और तुम भी अकेले आदमी हो भाई तुमको कितना पानी चाहिए नहाने के लिए ए भाई मैं अकेला हूँ के दुकेला मेंटेनेंस तो सबके जितना ही भरता हूँ ना मैं जब मेंटेनेंस भरने के लिए आता हूँ तभी तूने कभी बोला है कि भाई पोपटलाल तुम अकेले हो तो मेंटेनेंस थोड़ा कम भरो हाँ भाई तू फोन रख टैंकर आ जाएगा ओके हाँ हाँ थोड़ी देर में आ जाना चाहिए वरना मैं दुनिया हिला दूंगा हाँ भाई समझ गया दुनिया हिला दूंगा अरे भिड़ो भाई टैंकर आ गया अरे वाह ये आला टैंक टैंकर आ गया टप्पू के पापा टैंकर आ गया चलो देखते हैं अरे क्या देखते हैं टैंकर आया है वो कोई लड़ाई की टैंक थोड़ी आई है जो देखने जा रही है अरे हमारी सोसाइटी में पहली बार टैंकर आया है चलिए ना आपको तो कोई बात नहीं होता ही नहीं होता तो अरे ये अरे चलिए अभी टैंकर में क्या देखने अरे देखा देखा वो रहा टैंकर देखा देख लिया हाँ
फोटो वोटो खींचना टैंकर के साथ। क्या हुए? टैंकर आ गया पानी का, वाह। अरे भाई चलो जल्दी कनेक्शन करो, मुझे को दूसरी जगह पे जाने। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आ गए भाई आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। ए भाई तुम्हारा टैंकर तो फुल है ना? अरे भाई ऊपर जाके देखो मंगते है तो। ए भाई देखो भाई, इनका भरोसा नहीं, जाओ जाओ। हाँ अभी देखता हूँ, आराम से चढ़ना भाई। ये भाई तुम्हारा ये नल कितना लीकेज है भाई, इसको जरा ठीक करो ना। क्या साहब थोड़ा सा तो लीकेज है, क्या बात कर रहे हो आप? अरे थेम्बे थेम्बे तड़े साचे। क्या साचे? हाँ भिड़े साहब, हाँ टैंकर फुल है। आजा भाई नीचे आजा। ये जो पानी वेस्ट हो रहा है ना, वो पैसा काट के देने वाला हूँ मैं। क्या साहब मजा कर रहे हो आप भी? मजाक क्या, टैंकर चलता है ना, जल्द होता है। अच्छा भाई फुल है ना? एकदम फुल है, टकाटक। चलो पैसा दे दो। हाँ पैसा, ये भाई 2000 रुपए। भाई साहब 500 रुपए और चाहिए। और 500 रुपए? ये भाई बात तो 2000 रुपए की हुई थी, 2000 रुपए दे दिए मैंने। अरे साहब तुम्हारा सोसाइटी कितना अंदर 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 है मालूम है? तो क्या हुआ, जितना भी अंदर हो तुमको आना तो पड़ता ही है ना। देखो भाई साहब 2500 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। फुल सीजन का टाइम चल रहा है, बाहर 3000 रुपए मिलता है, वो मंगता है तो ले लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ भाई। लूट मची है लूट, एक नंबर के लूटे रहे ये। मैं लुटेरा? हाँ ठीक है ये पैसा ले लो। हाँ? मैं पानी के साथ जा। अरे भाई नहीं, मैं समझा, मैं, अरे भाई साहब भाई साहब क्या मैं समझाता हूँ क्या? अरे भाई समझाओ, दूसरी जगह मुझे जाना है। भिड़े साहब शांत रहिए ना, आप वहाँ जाइए प्लीज। क्या मैं क्यों शांत रहूँ, ये सरासर अन्याय है अब्दुल। बोला ना शांत रहिए। अरे क्या है ना, लेकिन सोसाइटी में बाल बच्चे हैं, पानी के लिए बहुत परेशान है, प्लीज समझाओ ना भाई उनको। मैं समझाता हूँ। बड़े भाई सॉरी, बड़े भाई सॉरी बोलो ना, अगर वो चला जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अरे ये सब नाटक था। अरे लेकिन एक सेक्रेटरी को ऐसा बोलोगे तुम? सॉरी बोलो ना, ये अब 500 रुपये दे दो ना उनको। ठीक है ये लो भाई 2000 रुपये, अब ले सकते हैं पानी। अरे पूरा टैंकर आपका साहब, मेहरबानी आपकी। ये भाई उस पे हाथ रख, हाथ रख उस पे। भिड़े मास्टर। हाँ अरे भाई भिड़े मास्टर। हाँ ये पानी कब आएगा भाई? अरे आदि भाई टैंकर आ गया ना अभी अभी, फटाफट कनेक्शन करके टंकी पर चढ़ा देंगे, पानी आ जाएगा। पानी चेक तो कर लिया है ना? हाँ हाँ चेक किया, टैंकर फुल है। हाँ अरे भाई क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्या है कि आजकल ज्यादातर बीमारियां पानी से ही फैलती हैं। अगर इस टैंकर का पानी अच्छा नहीं हुआ और हमने टंकी में चढ़ा दिया तो जब तक टंकी साफ नहीं करेंगे तब तक म्युनिसिपैलिटी का अच्छा पानी भी अशुद्ध रहेगा, वही पानी हम पिएंगे और बीमार हो जाएंगे। ये पीने का पानी ने सिर्फ नहाने धोने के लिए, पीने का पानी अपने पास है साहब, पर 4000 रुपए लगेगा उसका। बोले भाई ये टैंकर खाली कहाँ करेंगे, वो बाल्टी भर भर के घर ले जाएंगे क्या? अप्रतिम आइडिया, क्या बात है अब्दुल, वेरी गुड आइडिया। ये भाई तू हाथ रख। ए गोकुलधाम वासियो, अरे गोकुलधाम वासियो सुनो सुनो, सब लोग जरा बाहर आ जाओ एक मिनट। सोडी जेठालाल मेहता साहब। क्या हुआ भिड़े, क्या हो गया, क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ, क्यों हो गया भिड़ो? हाँ देखो टैंकर आ गया है, लेकिन इस टैंकर का पानी हम लोग टंकी में नहीं चढ़ा सकते। क्यों? अरे क्या चढ़ा नहीं पाएंगे? एक बार क्या क्या बोल कर रहे हैं भाई तू? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। सुन भाई सुन, उसके पीछे एक कारण है, वो कारण ये है कि ये पानी मंगाया है। लेकिन भिड़े भाई आपने पीने का पानी क्यों नहीं मंगवाया? हाँ, हाँ। अरे दया भाभी मुझे लगा कि सबके घर पे कम से कम पीने का पानी तो होगा, इसलिए मैंने नहाने धोने का पानी मंगाया। अरे पर भिड़े भाई पीने के पानी के बगैर पूरा दिन कैसे निकालेंगे? हाँ बता। एक काम कीजिए, आज का दिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, और वैसे भी कल सुबह पानी आने वाला है ही। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घर से बाल्टियां लेके आए और पानी भर के लेके जाए। हाँ ठीक है ठीक है, अब हमारे पास और चारा क्या है यार भिड़े। चल अभी चलो, जाना तो पड़ेगा। चलो दादाजी ठीक है, चलो।
जैसा कि आप जानते हैं, बिना सूरज के रोशनी नहीं मिलती, बिना चांद के शीतलता नहीं मिलती, वैसे ही गोकुल धाम वालों को आज बिना परिश्रम के पानी नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे राजस्थान के रेगिस्तान में अगर आप जाके देखें, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां लोग कई कई किलोमीटर चल के पानी लेके आते हैं। दो दो बूंद पानी की इतनी कीमती है कि पूछिए मत। हम लोगों के लिए तो पानी का मूल्य सिर्फ महीने का बिल भरना है, लेकिन पानी की कीमत उनसे पूछिए जिन्हें कई कई किलोमीटर चल के पानी लाना पड़ता है। दोस्तों, गोकुल धाम में स्थिति अभी बड़ी गंभीर है। आज यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है सुबह से। वैसे शर्ट का पहला बटन अगर गलत लग जाए तो बाकी सारे बटन गलत लगते हैं। तो गलतियों पे गलतियां हो रही है, गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है। अब यहाँ पे पानी के लिए बर्तन से बर्तन टकराएंगे, घड़े से घड़े टकराएंगे, और आवाज होगी आपके ठहाकों की। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और देखिए पानी का टैंकर क्या क्या करता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.